नीता अंबानी की ज्वेलरी देखी, ये कोई साधारण ज्वेलरी नहीं, मुगलों के जमाने का नायाब गहना है, कीमत है 200 करोड़। ऐसी ज्वेलरी शायद आपको ऐसे देखने को ना मिले। देखा, उड़ गए ना होश, मुझे तो दाम सुनकर ही चक्कर आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हाल ही में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 71वें मिस वर्ल्ड 2024 इवेंट में नीता अंबानी को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इस इवेंट में मिसेस अंबानी से जुड़ी फोटोज हर कहीं वायरल हो रही है। दरअसल मुकेश अंबानी की पत्नी और बिजनेस वुमेन नीता अंबानी हर बार की तरह इस बार भी अपने लुक्स से चर्चा में आ गई है। मिस वर्ल्ड 2024 के इवेंट में वो ब्लैक कलर की बनारसी साड़ी पहनकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मुगल काल की एक ज्वेलरी से अपने लुक को कंप्लीट किया, जिसकी कीमत आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। मिस वर्ल्ड के इवेंट में दिखे नीता अंबानी के शाही लुक की चारों ओर चर्चा है। इस दौरान उन्होंने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन की गई रॉयल साड़ी तो पहनी है, लेकिन जिस चीज की वाहवाही सबसे ज्यादा हो रही है वो है उनका ब्लाउज, जिस पर उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के जमाने की कलगी को बाजूबंद के तौर पर पहना है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी प्राइस 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 200 करोड़। सोचिए, 200 करोड़ का सिर्फ बाजू बंद है तो कान के झुमके कितने के होंगे? वेल, इसका भी अंदाजा आप लगा ही लीजिए। एक इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक मुगल बादशाह की जो कलगी नीता अंबानी ने इस्तेमाल की है, उसकी लंबाई 13.7 और चौड़ाई 19.8 सेंटीमीटर है। इसे गोल्ड के साथ रूबी, डायमंड और स्निपल्स को शामिल करके तैयार किया गया। नायाब हीरे, नायाब रूबी, खरा सोना, ये सब एक सपने जैसा है। लेकिन नीता अंबानी सपने देखती नहीं, उस सपने को सच भी कर लेती हैं। इवेंट था मिस वर्ल्ड का, पर सारी लाइमलाइट बटोर ले गई नीता अंबानी। अरे भाई, अंबानी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो ये तो होना ही था। अब वो ऐसा ज्वेलरी नहीं पहनेंगी तो कौन पहनेगा? बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।